कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते राजस्थान के रहने वाले हजारों लाखों श्रमिक दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है और लगातार दूसरे राज्यों से वो संपर्क में भी हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से टीम का गठन भी किया है, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों को लेकर अभी भी केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकी और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जालौर में कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण सिंह राठौड़ आज से सत्याग्रह कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रवण सिंह राठौड़ प्रवासी राजस्थानी फ्रेंड्स फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को मैंने पत्र लिखा है। गहलोत साहब से मैं मांग करता हूं कि जो हमारे प्रवासी राजस्थानी बंधु लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें आप संबंधित राज्यों से बात करके उन्हें अनुमति दे करके राजस्थान में उनके घर पे वापस पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराएं। श्रीमान कोटा में रहने वाले जो बाहर के स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनके लिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों की व्यवस्था की है और आपने अनुमति प्रदान की है, आप उसी संवेदनशीलता के साथ राजस्थान के प्रवासी जो मजदूर हैं, व्यवसायी हैं, उन्हें भी राहत प्रदान करें। कोरोना महामारी के चलते भारतीय रिजर्व